नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके लिए लेकर आपके तारे। हमारी कोशिश रहती है इस प्रोग्राम में कि हम आप तक आपका राशिफल तो पहुंचाएं ही, लेकिन राशिफल के साथ साथ हम आपको कुछ करने के लिए कहें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, इसको सुधारना भी आपको ही है। हम जरिया जरूर बन, लेकिन असल में अपनी जिंदगी इंसान खुद संवारता है। अगर रास्ता मिल जाए, सही तरीका पता चल जाए, थोड़ी आसानी जरूर हो जाती है, तो वही आसानी हम आपके जीवन में लेकर आने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके तारे की ये पेशकश खास होती है, आप जानते ही हैं, ये साप्ताहिक पेशकश होती है, यानी 7 दिनों का राशिफल होता है इस दिन आपके सामने। तो अगले 7 दिनों की सारी प्लानिंग, इन 7 दिनों में क्या करें क्या ना करें, तो ये जो छोटा सा साथ है अगले 7 दिनों का रास्ता बनाने जा रहा है आपके लिए। तैयार हो जाइए। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपका आने वाला सप्ताह। मेष राशि वालों की ना तो परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है और ना ही आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि समस्या क्या है। फिर भी मैं समझता हूं कि आप अपनी ओर से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मन के घबराहट को दूर करना पड़ेगा ताकि आपकी अच्छाई उभर के आ सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर आपके साथी, आपके पार्टनर्स आपको नहीं समझ पाएंगे तो कामकाज में परेशानी रहेगी। कोशिश करके इन परिस्थितियों को बदलना होगा। बहुत जल्द आपके प्रयास कारगर होंगे और आपके हालात भी सुधरेंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज में अपने बढ़ते हुए फोकस को किसी भी तरह से कम ना होने दें। इस लगन को लगातार बनाए रखना होगा ताकि आपके काम में कोई गलती ना निकाल सके। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को लेकर इस समय कोई गलती वैसे भी अपनी ओर से बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार से जुड़े हालात कुछ हावी से रहेंगे। रिश्तों को समझना भी मुश्किल होगा और रिश्तों को संभालना भी मुश्किल होगा। लोगों को समझना है तो खुद विनम्र हो जाना होगा, खुद प्रयास करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास के लोगों को वो अहमियत दें जिसके वो हकदार हैं। लोगों से मिलती हुई सलाह और प्रेरणा आपको सही रास्ता जरूर दिखाएगी और आपसे मेहनत भी करवा लेगी। इसी कोशिश को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी बड़े परिवर्तन के बारे में आंख बंद करके बिल्कुल ना सोचें। कामकाज में सुधार हो जाएगा, लेकिन निजी जीवन के हालात संभालने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को परिपूर्णता से देखें, इसमें कोई गलती ना हो। हमें लेना है सवाल। सवाल है सुमित का। 13 अक्टूबर 1988, 6:55 शाम को इनका जन्म हुआ है मेरठ में। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। नई नौकरी कब तक मिल सकती है ये आपसे जानना चाहते हैं। क्या कोई अपना काम कर सकते हैं? सुमित, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा भी चल रही है बुध की अप्रैल 2018 तक। फरवरी मार्च 2017 में जॉब चेंज करने का अच्छा समय है। बिजनेस के बारे में ना सोचें, जॉब से ही जुड़े रहें और सही रूप से आपका कैरियर जो है वो बनेगा। 2019 से वही समय होगा किसी प्रमोशन इत्यादि का, तो आगे चल के आपका कैरियर बहुत अच्छा बन रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने सेहत के बारे में पूछा, तो अब से लगभग 1.5 साल के बाद 2018 से आपकी सेहत में भी सुधार होगा। तो फरवरी मार्च 2017 में आपके जॉब चेंज का योग है और 1.5 साल बाद आपकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। यानी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अब वक्त धीरे धीरे सुधार की तरफ है। आपकी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको हर रोज बताते रहेंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। चलिए मिथुन और कर्क राशि, आपके आने वाले सप्ताह पर नजर डाल लेते हैं। कैसा है ये सप्ताह, किस तरह से आपके सामने आएगा और उसके लिए आपको कैसे रहना है तैयार, ये जानते हैं। मिथुन राशि वालों की परेशानियां कुछ हद तक वाजिब हैं, क्योंकि गलतियां भी आप ही कर रहे हैं। काम में आपका मन नहीं लग रहा और अपने पैसे को आप संभाल नहीं पा रहे। बहुत ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है। अपने मन की परेशानियों को हटाकर बहुत कुछ संभाला जा सकता है। हर एक से मधुरता से पेश आए और अपने पैसे को बचा कर चलें। क्या ना करें इस सप्ताह में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हालात अपने आप ठीक नहीं होंगे। आपके मानसिक दबाव भी आपकी बिगड़ती हुई सेहत का एक कारण हो सकता है, इसे बढ़ने ना दें। कर्क राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि पैसे को लेकर बहुत ज्यादा उदारवादी बनना ठीक नहीं है। ऐसा करते हुए रिश्ते तो संभलेंगे नहीं और नुकसान अलग हो जाएगा। इसलिए रिश्तों के प्रति अपनी ईमानदारी बनाने की ज्यादा जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में प्रबलता भी बहुत है, लेकिन छुपी हुई कठिनाइयां भी बहुत हैं। इसलिए लोगों की परेशानियों को समझने की भी कोशिश आप ही को करनी होगी।
क्या ना करें इस सप्ताह में, कामकाज को आगे बढ़ाने के जो भी विचार बन रहे हैं उन्हें इग्नोर ना करें। इनके पीछे छुपी हुई कोई अच्छाई हो सकती है जो आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है। इस बात को कम ना समझें कि तकदीर की सुंदर भूमिका बनती चली जा रही है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात, तो आपके लिए देखते हैं कि ये जो अगले 7 दिन हैं ये कैसे हैं आपका साप्ताहिक राशिफल, और उसके बाद 7 दिनों तक आप क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों की अपनी इन्वॉल्वमेंट में जो कमी है उसे सुधारना ही होगा, कोई और विकल्प नहीं है, तभी जाकर आपकी परेशानियों का समाधान भी निकलेगा। इस बात को समझ लें कि इंपल्सिव होकर फैसले करने से नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, घर परिवार के हालात ऐसे बन रहे हैं कि आप परेशानियों से जैसे घिर जाएं। दूसरी ओर कामकाज के लिए भी अपना वक्त निकालना पड़ेगा, इसलिए जिंदगी में एक तालमेल बना लें और टाइम मैनेजमेंट की ओर थोड़ा सा ध्यान दे लें। क्या ना करें इस सप्ताह में, ना तो बहुत भावुक बने और ना ही उत्तेजित हो, इन्हीं गलतियों के चलते आप अपनी परेशानियों को बढ़ाएं नहीं, साथ ही साथ घर परिवार में अपनों की सेहत को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों को समझना पड़ेगा कि लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है और इसी वजह से आप भी रिएक्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप उस वजह को नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपकी बचत पर कोई असर आएगा तो ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, आपके अंदर एक इच्छा पनप रही है कि अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सुंदर समय बन रहा है, कोशिश करके देखें जरूर फायदा होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, ऐसा ना सोचें कि किसी प्यार के रिश्ते में सब कुछ ठीक है, अचानक उभरती हुई उन दिक्कतों को भी नजरअंदाज ना करें, जो भी कर रहे हैं उसमें अपना फोकस बनाए रखें, उसे कम ना होने दें। तो अपना फोकस दुरुस्त रखिए, उसमें कोई कमी मत छोड़िए। मोटे तौर पर अगर आपने ये चीजें जो आपको बताई गई हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये सप्ताह आपके लिए एक बेहद कामयाब सप्ताह बन सकता है। खैर, आगे सवाल है राहुल यादव का, 7 दिसंबर 1997, 1:30 रात में इनका जन्म हुआ है, जयमातपुर शिकोहाबाद। ज्योतिष गुरु, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पारिवारिक परेशानियां भी हैं, इनके पिताजी का ट्रैवल का बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा। इनकी कुंडली देखकर इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की, आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है मंगल की सितंबर 2017 तक। आपने कहा कि घर की परेशानियों के चलते आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन इस तरह से तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी, आप इस बात को समझिए। और घर के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा योगदान देना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है आपको, इसलिए आपको पढ़ाई में अपना ध्यान और देना होगा। ये और बात है कि अगर इस समय कोई काम काज का कैरियर का समय होता तो मैं उस दिशा में आपको कोई सलाह देता, लेकिन उसका समय आया नहीं है, तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही है इस समय में, बाकी सारी बातों को भुला के। तो देखिए, आपकी कुंडली यही इशारा कर रही है कि आपके लिए ये वक्त पढ़ाई करने का वक्त है, और जैसा आपने बताया कि आप अपने परिवार की समस्याओं से भी वाकिफ हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या चाहते हैं इसे भूल जाइए। आपका परिवार आपसे क्या चाहता है, आपके पिताजी आपसे क्या चाहते हैं, आपसे कितनी उम्मीदें हैं आपके परिवार को, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा, और लगेगा, यकीन मानिए। आपको समझना है अपनी जिम्मेदारी और पढ़ाई करनी है। तुला और वृश्चिक राशि, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अगले 7 दिनों के लिए, ये आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। तो सबसे पहले आपके 7 दिनों का राशिफल और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें अगले 7 दिनों तक। तुला राशि वालों के पैसे से जुड़े जो भी हालात हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हैं, यही कारण है कि आप बहुत सारी बातें एक साथ सोचते चले जा रहे हैं, बदलाव की इच्छा भी आपके दिल पर हावी हो रही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, आपकी अच्छाई में कोई कमी नहीं है, आपके हालात भी मददगार हैं, सिर्फ आपकी मेहनत ही दिशाहीन है, उसे ही पटरी पर लाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में, किसी काम या कारोबार में पैसा लगाने की इच्छा ज़रूर बनेगी, घर परिवार से जो आपको मदद या आशीर्वाद मिलेगा उसकी ताकत को भी कम ना समझें, उसी से जिंदगी के रास्ते खुलेंगे। वृश्चिक राशि वाले अगर काम काज में असंतोष बनाएंगे तो कोई बदलाव करना चाहेंगे, लेकिन इतने बड़े फैसले करते हुए कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अभी फिलहाल अपनी मेहनत को और बढ़ा देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, अगर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएंगे तो वो अच्छाई लोगों को नजर जरूर आएगी, और बहुत जल्द ये हालात भी बदल जाएंगे जिसके चलते आप अपने नुकसान की स्थिति को भी संभाल पाएंगे, लेकिन अहम मुद्दा ये है
कि काम के प्रति अपनी लगन को बनाना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, इस समय आपकी अच्छाई यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं, उसी के चलते आपके मतभेद भी उभर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना होने दें जिसके चलते आपकी इन्वॉल्वमेंट में भी कोई कमी आ जाए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और धनु और मकर राशि की कर लेते हैं बात। तो बात हो रही है अगले 7 दिनों की। ये एपिसोड इसी मायने में खास है कि ये छोटा सा साथ अगले 7 दिनों की प्लानिंग लेकर आता है आपके लिए। तो ये साप्ताहिक पेशकश क्या कहती है धनु और मकर से। धनु राशि वालों के लिए लाभ का सुंदर योग है और एक रेगुलरिटी बनी हुई है। अचानक लाभ भी हो सकता है, लेकिन अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालने की सख्त जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में, आपकी कही हुई बात आपको परेशानी में डाल सकती है और यही बात आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए बहुत धैर्य रखना होगा ताकि आप गलतियों से बच सकें। क्या ना करें सप्ताह में, किसी प्यार के रिश्ते को अपने मन में इतना प्रबल ना बनाएं कि बाकी सारी बातें फीकी लगें। अपने मन में अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं नहीं, थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है। किसी ऐसी बात की उम्मीद ना लगाएं जिसका अभी समय नहीं आया। मकर राशि वालों को लोगों की आलोचना बहुत बुरी लग सकती है, इसलिए आप लोगों से मिलती हुई मदद में भी कमियां ढूंढते चले जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि लोगों की सलाह और मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में, कामकाज में समर्पण बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका लाभ सुनिश्चित हो सके। वैसे भी ये समय आपको बड़ी सफलता देने में सक्षम है, कोशिश करके देखिए, आपकी अच्छाई लोगों को जरूर नजर आएगी। क्या ना करें सप्ताह में, घर परिवार और निजी जीवन की प्राथमिकता को समझें, इसमें कोई कमी ना आने दें। तन से और मन से अपनों की सेवा करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा, इस बात को लेकर कोई गलती बिल्कुल ना करें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो बात अगले 7 दिनों की है, इन 7 दिनों को समझिए, जानिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है अगले 7 दिनों तक। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि किसी प्यार के रिश्ते में परेशानियां कम हो गई हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का अभी भी समय नहीं आया। थोड़ा इंतजार कर लेने से ही वो परेशानियां पूरी तरह से दूर हो पाएंगी। मन को शांत रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में, कामकाज के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी धैर्य रखना होगा। बगैर सोचे समझे किसी बड़े बदलाव से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इस बात को भी याद रखना होगा। क्या ना करें सप्ताह में, किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचना ही प्लानिंग का अभिप्राय नहीं है। फिलहाल ऐसा भी ना सोचे कि कोई बड़ा कदम उठाने से बड़ी सफलता मिल जाएगी। अभी अपने पैसे को खतरे में डालना ठीक बिल्कुल नहीं है। मीन राशि वालों से अगर लोग नाराज रहेंगे तो उसका असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। इन्हीं परेशानियों के चलते आपकी अच्छाई भी जैसे छुप सी जाएगी। वक्त रहते छोटी छोटी बातों को संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में, जोखिम भरा समय है इसलिए संभल कर चलना होगा। ये और बात है कि धन लाभ से जुड़े हालात अच्छे बने रहेंगे आपके लिए, लेकिन लापरवाही से जुड़े फैसलों में नुकसान भी हो सकता है, इस बात को भी समझना होगा आपको। क्या ना करें सप्ताह में, किसी प्यार के रिश्ते में कोई तीखी बात बिल्कुल ना कहे। अगर आप सही भी हैं तो भी तैश में आना ठीक नहीं है। विनम्रता से कही हुई बात में बहुत ज्यादा वजन होता है, इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं। तो जिंदगी हंसने मुस्कुराने का नाम है, मुश्किलें आप पर कभी हावी ना होने पाएं, ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलें जीवन का एक हिस्सा हैं। मुश्किलें हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, उनसे डरना नहीं है, उस समय अपने आप को पूरे तौर पर संभाल कर रखना है ताकि कभी आप कमजोर ना पड़ने पाएं। और आप कमजोर ना होने पाएं, इसके लिए हम हर रोज रहते हैं आपके साथ, पहले से आपको ये बताकर कि क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो फिर होगी मुलाकात, अभी दीजिए इजाजत, नोट कीजिए ईमेल आईडी आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये साथ यूं ही बनाए रखिए। नमस्कार। नमस्कार।